एक्सक्यूज मी, यहीं के आप? नहीं नहीं। अच्छा चलिए, पंजाब के तो है। सिद्धू जी भी ठीक थे, बाकी अब क्या पता पार्टी बदलते रहते हैं, कभी किसी में चले जाते हैं, कभी किसी में चले जाते हैं। झाड़ू वाला? हाँ जी। क्यों भैया, झाड़ू वाले की बड़ी हवा बन रही है? हम राजनीति से बाहर हैं। अच्छा वोट तो देते होंगे? वोट तो देते हैं। तो किसको दोगे? झाड़ू चलेगी? झाड़ू चलेगा। चलिए भैया, इन्होंने इशारों इशारों में बता दिया है उसको तो कभी नहीं बनाना सिद्धू को। हाँ, जो देश बचा हुआ बर्बाद हो जाएगा। दिल्ली वाले तो बदनाम है भैया के, बिक गए फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मैम जो गरीब को सहूलता चाहिए ना, यही होती है। तो जी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। हमारी चुनावी चर्चा उत्तर प्रदेश तो जा ही चुकी है, उसके साथ साथ आप जानते होंगे कि पंजाब और उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। तो हम आ पहुँचे हैं पंजाब के पटियाला। जी हाँ, पटियाला आए हैं। पटियाला पैग लगाना यहाँ पर बनता है, लेकिन ज़रा उससे पहले आपको नज़ारा दिखा दूँ। मैं इस टाइम मौजूद हूँ यहाँ पटियाला के चौराहे पर। हालांकि सही सही मुझे भी सब जगह पता नहीं है, सब बोर्ड्स यहाँ पर पंजाबी में लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ ज़रा रुककर लोगों से बातचीत करूँगी और जानूँगी यहाँ पर पंजाब में माहौल क्या है। आइए, यहाँ पर एक मुझे ज़रा मिठाई वाले की दुकान दिखी है और यहीं पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे भी बात कर ली जाती है। सत श्री अकाल सरदार जी। हाँ जी। ये पहले बता दीजिए हम कहाँ मौजूद हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। पटियाला बस स्टैंड में। पटियाला, ये कौन सी मार्केट है? ये बस स्टैंड में है मार्केट। अच्छा। पापा जी, हम यहाँ जरा जानने आए हैं चुनावी चर्चा। आप जानते होंगे चुनाव होने वाले, क्या माहौल है अभी? कुछ गर्म हुआ है यहाँ पे चुनाव माहौल? अभी गर्म तो अभी उतना नहीं है, अभी चल रहा है। हाँ, गड़बड़ में। कांग्रेस में तो काफी कुछ हलचल मची। हाँ, कांग्रेस में तो बस ऐसा ही है। हाँ। सारा हिल हिल गया सारा सब। तो आपको क्या लगता है, क्या अभी कौन आएगा यहाँ पे? अभी देखो चल रहा है माहौल कैसा है, दोनों का चल रहा है। केजरीवाल का भी बता रहे हैं तो कालिया का भी बता रहे हैं, बाकी देखो क्या रहा है। आप यहीं के ही हैं? आप रहने वाले हैं? सुमाने के रहने वाले हैं। अच्छा, सिंघू बॉर्डर गए थे? हाँ गए थे, वहाँ जाते हैं जाते हैं। आप भी बोल बैठे हुए हैं? अभी भी बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो लगता है किसान आंदोलन से कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पर? नहीं, जितना देर कोई फैसला नहीं होता उतनी देर तो कोई और नहीं फर्क पड़ेगा, जो कोई फैसला देगी सरकार। आपको कौन पसंद है? हम तो देखो अब क्या आता है, जब आएगा पता लगा किसानों का भी चल रहा है, क्या क्या करते हैं, कि कैसा माहौल आता है। सही, आप बताइए जरा कैसी यहाँ पे चुनावी चर्चा? तो यूपी में। आप यूपी के? और आप कहाँ के? हम यहीं के हैं, सुमाना। अच्छा, क्या माहौल है अभी यहाँ पर? यहाँ माहौल चल रहा है, अभी नए नए सीएम बने हैं, अभी देखो ये अभी अगर कुछ करेंगे तो अभी हो सकता है उनका भी हो जाए, नहीं तो वैसे केजरीवाल के लिए अभी चल रहा है ज़्यादा ही। केजरीवाल जी ने क्या मतलब किसान आंदोलन को सपोर्ट कर दिया, इसलिए किसान आंदोलन को सपोर्ट दे रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा है उनका ही। कांग्रेस का जानना चाहूंगी, अमरिंदर सिंह ने अपना पद छोड़ दिया, चन्नी जी आए, एक तरफ सिद्धू जी भी है, अगर चुनना पड़ा चन्नी जी में और सिद्धू जी में कौन होगा आपकी पसंद? अभी तो ऐसा ही सबका चल रहा है, यहाँ रोला रप्पा ही जाकर। चन्नी जी तो अभी नए नए आए हैं, अभी अगर कुछ करेंगे तो उसके बाद अब 2-3 महीने तक पता चलेगा इन दोनों में से किसका आना चाहिए। सिद्धू जी कैसे लगते हैं? सिद्धू जी भी ठीक थे, बाकी अब क्या पता पार्टी बदलते रहते हैं, कभी किसी में चले जाते हैं, कभी किसी में चले जाते हैं। जब टिकेंगे पता चलेगा क्या क्या नहीं। अब क्या कह रहे थे? मैं कॉमेडी करने में अच्छे लगते हैं। पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में भी ठीक है, बातें बूते बनाने में सबसे आगे आई। तो भाई देख सकते हैं कि बस स्टैंड चौक है और यहाँ पर काफ़ी ढेर सारी जो बसें हैं आए जाए जा रही हैं, और ऐसे में यहाँ ज़रा लोग थोड़े बिजी हैं, उनके बिजी शेड्यूल में से हम बात करते हैं। सत श्री अकाल सरदार जी, क्या नाम है? मसू। यही के हैं? क्या करते हैं? साइकिल चलाती है? साइकिल रिक्शा है। अच्छा, यही आपका रोजगार है? यही रोजगार यही है। हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं, चुनावी चर्चा कैसा है माहौल यहाँ का? ठीक ठाक है, ठीक है। रोजगार है यहाँ सबके पास? जिन्हों को है वो कर रहे हैं, जिन्हों को नहीं वो घर वेले बैठे ने। लॉकडाउन से असर पड़ा? और तो फ्री हो गया। अच्छा। हाँ, हुण किसी ने। पटियाला की क्या क्या समस्याएं हैं? मैनू इन्होंने समस्या बारे कुछ पता नहीं, मैं अपनी कबीलदारी के धंधे। कौन चुनाव में राजनीति में कौन पसंद है, केजरीवाल या राहुल गांधी? नहीं, ये बारे मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्सक्यूज मी, यहीं के आप? नहीं नहीं। अच्छा चलिए, पंजाब के तो है।
पंजाब में हम जरा चुनावी चर्चा कर रहे हैं, भीड़ थोड़ी कम है, कौन आएगा इस बार? इस बार कुछ नहीं कह सकते। आप या कांग्रेस? कुछ भी नहीं कह सकते। आपको कौन पसंद है? आप पसंद है हमको तो। चलिए भैया आप वाले आ गए हैं और जरा आगे बढ़ते हैं। सरदार जी सत श्री अकाल। श्री अकाल जी। पंजाब में हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है कौन इस बार आ सकता है? मैडम मेरे को तो लगता है जैसे कोई नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेसमैन की भी एक कहावत, अगर कोई नई नई दुकान खुलेगी तो वो रेट कम ही रखेगा, चाहे वो अच्छे हैं चाहे नहीं अच्छे, पर रेट तो एक बार कम रखेंगे, कम से कम 5 साल के लिए तो फायदा होगा, बाकी तो सभी पार्टियां हम सबको लूट चुकी हैं। तो मैं आपका खैर इशारा समझ गई हूँ, केजरीवाल जी ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया था 300 यूनिट तक का, चन्नी जी ने भी बोल दिया कि हम आ गए तो हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। मैडम जो पहले बोलेगा वही करेगा ना, अगर मैं एक चीज का रेट कोई 20 रुपए बेच रहा है तो मैं उसको 10 रुपए करूंगा, पीछे पीछे सभी 10 रुपए करेंगे, तो बेनिफिट तो पहले मेरे को मिलेगा ना, पहले रेट कम करने लगे तो मैं ही होऊंगा, ऐसे ही केजरीवाल जी का है, पहले तो उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने करके भी दिखाया दिल्ली के अंदर, अगर करके दिखाया तभी उन्होंने बोला ना, हमारे जो दूसरी पार्टियों ने बोला अभी तक तो उन्होंने किया नहीं ना, सिर्फ बोला ही बोला है, तो केजरीवाल जी ने तो पहले बोल ही दिया, पहले करके दिखाया फिर बोला उन्होंने पंजाब के अंदर। चलिए बढ़िया बोले, यहाँ पर मुझे अभी जो एक हवा बनती हुई दिखाई दे रही है वो केजरीवाल की दिखाई दे रही है, कहाँ के? मैं तो यहीं का हूँ। यहीं के पंजाब के? वोट यहीं डालते हैं? किसको डालेंगे वोट? देखो किसे डालेंगे। अरे सच सच बता दो। केजरीवाल को। केजरीवाल भैया यहीं के हो? नहीं जी तो बाहर के जी। आप कहाँ के हैं? हम तो यूपी कराने वाले जी। यूपी के हैं, यहाँ रोजगार लेने आए हैं? हाँ जी, बस देखो रोजगार यही है, चला रहे हैं रख से। यूपी में रोजगार नहीं मिला क्या? बस यही है जी, अब आए अब यही तरफ से यही कर रहे हैं, रख से चला रहे हैं। आइए और लोगों से आगे बात करते हैं, कहाँ के भैया? कहाँ के हैं? सरहंद से। हाँ? सरहंद तो। ये कहाँ है? सरहंद हाँ उड़े जी। अच्छा पंजाब में ही है? पंजाब जो जी। अच्छा पंजाब में कौन लगता है, कौन आएगा? झाड़ू वाला होगा जी। झाड़ू वाला? हाँ जी। क्यों भैया, झाड़ू वाले की बड़ी हवा बन रही है? झाड़ू है कम में भी झाड़ू वाला जी। हाँ जी काम करना चल रहा है। आपको अमरिंदर सिंह और सिद्धू जी नहीं पसंद आए? अपन कोई पसंद नहीं जी, रोटियां कमा के बंदे। सरदार जी राजनीति कैसी चल रही है यहाँ पर? बहुत बुरी चल रही है। क्यों? पता नहीं क्यों है। क्या मतलब अमरिंदर सिंह तो अब है रहे नहीं, अब चन्नी साहब आ गए, भाग गए। चन्नी साहब से कोई उम्मीद है? पता नहीं जी हमें तो। फिर अच्छा वोट देते हैं? वोट देते हैं। किसको देंगे? अब देखो जी जिसका पलट भारी होएगा उसी तरफ जाएंगे। झाड़ू चलेगी? झाड़ू चलेगा। चलिए भैया इन्होंने इशारों इशारों में बता दिया है कि झाड़ू तो चल ही जाएगी। ये देखिए बस अड्डा यहाँ पर लगता है, काफी लोग आ रहे हैं, ये यहीं पर ही क्यों ना चुनाव जो है चर्चा यहाँ पर कर ली जाए, बड़ी भीड़ है। यही के भैया क्या के? हम पंजाब से हैं। अच्छा पंजाब में क्या झाड़ू चलेगी? पता नहीं क्या चलेगी। तो क्या ठप्पा लगेगा? पता नहीं क्या चलेगा। अच्छा आपको कौन पसंद है? हमको तो कोई भी नहीं पसंद है। क्यों? वैसी आपको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता हम तो। पॉलिटिक्स में कुछ तो पता होगा? नहीं इंटरेस्ट नहीं लेते ना इतना। आप कहाँ के हो? मैं मोनू का। मैम क्या लगता है क्या होगा पंजाब में? पंजाब में मैं पहले का तरक्की हुई है, अभी जो हवा हो जाएगी। अभी तो चन्नी साहब आ गए हैं, कुछ लगता है बदलाव कर पाएंगे? देखो वैसे तो पहले सभी ने गुटके ही सौंख खाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, अभी देखो ये करते हैं, कहने को तो एक बार तो हाथ पैर मारते ही है। और सिद्धू जी कैसे लगते हैं? बढ़िया है वो भी। बढ़िया है तो किसको मौका देना चाहिए, केजरीवाल को या सिद्धू को? देखो जी अगर उसके हिसाब से तो केजरीवाल ठीक है ही, दिल्ली में जो आपको पता ही है सहूलते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कांग्रेस ने तो तुम्हारे साथ आपके सामने ये क्या किया है, कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। दिल्ली वाले तो बदनाम है भैया के, बिग गए फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मैम जो गरीब को सहूलता चाहिए ना यही होती है। हाँ गरीब को सहूलता क्या चीज है, ये यूनिट अभी पंजाब में 12 रुपये है, दिहाड़ी है 350-350 रुपये, अभी यूनिट का बिल भरे या अपनी घर की कमाई खाने का खर्चा चलाए। बिजली भी सुना है काफी कम आती है पंजाब में, कट कट कर। हाँ जी ये तो है। अच्छा आपका घर किधर है? मेरा मोन के ही खास। क्या रोजगार है? मैं सर मैम यहाँ तो वैसे पंजाब पुलिस का पेपर देने आया था, वैसे मैं मनीमी करता हूँ।
शुक्रिया बात करने के लिए। आइए आगे और लोग मौजूद है, जरा इनसे बात करते हैं। सरदार जी सत श्री अकाल, दिल्ली से आए हैं खास तौर पर जानने के लिए कि कौन आ सकता है पंजाब में। पंजाब में कोई पता नहीं। झाड़ू चलेगी या टप्पा लगेगा? झाड़ू चलेगा। झाड़ू क्या भैया, झाड़ू या टप्पा? मुझको नहीं मालूम कुछ भी, हम राजनीति से बाहर हैं। अच्छा वोट तो देते होगे? वोट तो देते हैं। तो किसको दोगे? बता दो जल्दी। झाड़ू को। झाड़ू को। आइए भैया आप भी। झाड़ू। झाड़ू। सरदार जी सत श्री अकाल। हाँ जी। चलिए सरदार जी बिजी है, आप लोगों से भी दो सवाल कर लूं, झाड़ू या ठप्पा? झाड़ू। झाड़ू। नहीं कोई नहीं आएगा, असल में किसान का तो कोई कुछ कर नहीं रहा, तो क्या फायदा है पॉलिटिक्स का? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, किसान के बिल माफ होने चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। था वो ही होना चाहिए क्योंकि हाँ जो जो हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ, और उनके लिए जो इन्होंने बिल वो किए वो एक गलत है डिसीजन है गवर्नमेंट का, तो उन्हें जो बिल है वो वापस ले लेना चाहिए। लाइक जो पहले था एज इट इज उनको वैसे ही रहने देना चाहिए। लेकिन किसान आंदोलन को तो कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया और केजरीवाल जी भी खुलकर सामने आए। नहीं हम तो किसी के साथ नहीं है, हम तो किसी के साथ नहीं, टोटली ना झाड़ू ना पंजा किसी के साथ नहीं है। पर वोट तो देंगी? नहीं देंगे वोट, जरूरी आप नहीं, है। वो तो नहीं मेरे हिसाब से केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक पढ़े लिखे इंसान है और एजुकेशन लेने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक एजुकेटेड इंसान और एक कम एजुकेटेड इंसान में ना मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर सोचा जाए। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, मतलब अपोजिशन जो है बहुत कुछ कर भी रहा है, लेकिन अभी हम भी उनके काम भी देख रहे हैं। और जो एक बार पॉलिटिक्स में आ जाता है ना, गलत काम वो करना शुरू कर देता है, बट अच्छे काम वो बहुत कर रहे हैं। और दूसरा किसान आंदोलन को हम भी पूरा सपोर्ट करते हैं और हमारी तरफ से तो उनकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होनी चाहिए। अच्छा लगता है सिद्धू जी को अगर सीएम फेस बनाया जाए कुछ फ़ायदा होगा? जब पहले नहीं हुआ अब क्या फ़ायदा होगा? नहीं मुझे तो पता क्या है, मुझे जो जो ना अपने एक बार अपने दल में नहीं रह सकता वो दूसरी बार जाके मतलब क्या करेगा वो। एक बार जैसे आप अपने दल के नहीं हुए, आप पहले बीजेपी में थे तो अब अपने दल के नहीं हुए उस समय, तो आप बार बार अपनी मतलब पोजीशन लेने के लिए कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी आप टीवी के प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो, ठीक है, तो ये चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले लॉयल्टी तो आपके पॉलिटिकल पार्टी के लिए होनी चाहिए जहाँ आप पहले थे, आप उनकी विचारधारा एक विचारधारा के साथ जुड़ना होता है ना, तो आप तो किसी भी विचारधारा के साथ जुड़े ही नहीं हो, आप तो अपना फ़ायदा देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता उनको कोई भी मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने मतलब नहीं दूंगी उनको। यहीं के भैया पंजाब के? हाँ जी। क्या लगता है झाड़ू चलेगी या फिर ठप्पा लगेगा? क्या पता क्या चलेगा, आपको कौन पसंद है? क्या पता यहीं के हो? दोनों दोनों। हाँ दोनों दोनों। सिद्धू जी? नहीं नहीं। चन्नी जी? दोनों पसंद है, सारे पसंद है। वोट किस, वोट तो एक को ही देना पड़ेगा। वोटर कार्ड बना नहीं मैम। अच्छा अभी बना ही नहीं आपका? बन गया है। किसको दोगे? सच सच बता दो। देखते हैं अभी। वोटर्स बड़े साइलेंट है सरदार जी, वोटर्स बड़े साइलेंट है, बता नहीं रहे किसको वोट देंगे। कंफ्यूज रहते हैं मैडम ना लोग, सरकार किसी की भी आए जनता को तो बस पिटना ही पड़ता है, जनता के लिए कोई नहीं सोचता। अगर सिद्धू जी को सीएम फेस बना दिया जाए कुछ फायदा होगा? ना 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 उसका क्या फायदा होगा, तो झाड़ू चल जाएगी। अभी लोग देखेंगे, झाड़ू को देखेंगे सुबह। लोगों को सफाई उम्मीद है, उम्मीद है लोगों को झाड़ू से। अभी अगले देखे जाएगा जो समय आएगा उसमें। लेकिन केजरीवाल जी किसी को सीएम फेस नहीं बना पा रहे, भगवंत मान भी इस बात से नाराज है, क्या लगता है कुछ असर पड़ जाएगा? देखो मैडम ये राजनीति है, जब उनका मन करेगा जब उनका जो प्लान होगा वो बता देंगे क्या है क्या नहीं, लेकिन अभी इस बार जो है झाड़ू का है, झाड़ू झाड़ू का है। तो लोग देखना चाहेंगे। झाड़ू की हवा काफी तेज बनी हुई है, आइए जरा और लोग भी आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। काका जी आपका ही है ये? हाँ जी मेरा ही है मैडम। अच्छा क्या क्या मिलता है? हमारे पास खाना मिलता है। अच्छा रोटी लगा रहे हैं? मेरे को तो 35 साल हो गए। यहीं के ही हैं आप? यहीं के लोकल हूँ। क्या राजनीति कैसे चल रही है? राजनीति क्या करेंगे, हमने तो बहुत दुखी है इनसे तो। अच्छा किन से? कैप्टन से और इससे चन्नी से और किससे? चन्नी जी ने क्या कर दिया, उन्होंने तो वादा कर दिया भाई इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। लगाओ मैं बीए पास हूँ, मेरे को नौकरी लगाओ। अच्छा नौकरी नहीं है? हाँ नौकरी नहीं है। तो आप किससे उम्मीद है? हमारे को अपने काम से उम्मीद है बस। क्या लगता है अगर सिद्धू जी को सीएम फेस बना दिया जाएगा? नहीं बनाना उसको तो, कभी नहीं बनाना सिद्धू को। अच्छा हाँ जो देश बचा हुआ बर्बाद हो जाएगा। और केजरीवाल जी का क्या सीन लगता है? केजरीवाल आ सकता है? आ सकता है। चलिए भैया बहुत
बढ़िया जवाब दिया यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर जो है भैया यहीं के ही हो? नहीं, क्या करते हो? पेपर देना है पुलिस का। अच्छा, कितनी उम्र है? 23 साल। अरे वोट तो देते होगे? हाँ जी। किसको दोगे? आम आदमी को। क्यों भैया? अरे भैया, आम आदमी पार्टी की तो बहुत यहाँ पर जो है हवा बनी हुई है। इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। फिलहाल यहाँ पर मुझे आम आदमी पार्टी की ज़्यादा हवा बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।